हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंबिका। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली एक ऐसी जगह के बारे में। अगर यहां पे आपको दर्द रहता है दोस्तों, इट मीन्स आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है। दोस्तों, वैसे तो इस टॉपिक के ऊपर हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मैं इसके साथ आपके लिए अलग अलग से वीडियोज़ के थ्रू मैं आपको समझा चुकी हूँ कि कैसे इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय या बेबी गर्ल को कंसीव किया है। लेकिन दोस्तों, एक क्वेश्चन जो आप लोग अक्सर मुझे करते हैं, उस क्वेश्चन को कवर करने के लिए आज इस वीडियो में मैं इस टॉपिक को लेके आई हूँ और आज मैं इस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। तो दोस्तों, मैं कौन से टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ वो मैं आपको आज को बता देती हूँ। दोस्तों, अगर प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट पेन, निप्पल पेन होना, देखिए दोस्तों, ये तो बहुत आम हो जाता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को अक्सर निप्पल और ब्रेस्ट में दर्द देखने को मिलता है प्रेगनेंसी में। लेकिन खास करके अगर आपके निप्पल और जो ब्रेस्ट वो लेफ्ट साइड का ज़्यादा दर्द करता है दोस्तों, इसका मतलब आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया। देखिए दोस्तों, इसको हमारी दादी नानी या हमारे जो पुराने ज़माने के जो बुज़ुर्ग औरतें होते थे वो मानते हैं। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ तो मेरे साथ में मेरे दोनों बेबी बॉयज जब मैंने कंसीव किया था, मेरा दोनों दो बेबी बॉय है, तो दोनों के समय मुझे लेफ्ट साइड वाले निप्पल और ब्रेस्ट में अक्सर दर्द देखने को मिलता था। तो दोस्तों, अगर आपको निप्पल में और ब्रेस्ट में वो भी लेफ्ट साइड में ज़्यादा दर्द होता है, इट मीन्स आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है। बाकी दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलूंगी ऐसे के इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक लव यू, बाय।